ये है भैया जी, हम लोग राजस्थान से। हेलो। और ये नागलोका का लाइब्रेरी में कुछ ऐसा दिखता है। मैं बीए पास हो गया, ये है मेरा सर्टिफिकेट। बहुत दिनों बाद मैं नागलोक में खाना खा रहा। ऐसा है, पहले भी खाते से स्कैन करना पड़ता है बर्थडे में। चिड़िया रहता है। हाँ, तो मैं अभी बपासवाड़ा जा रहा हूँ। तो मैं कल इधर बिलगांव में रुका था दोस्त का रूम में, तो अभी नागलोक जा रहा हूँ मेरा बीए का मार्कशीट लेने के लिए। ये है भैया जी, हम लोग राजस्थान से। हेलो। और ये नागलोक में रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा नाम आनंद है। यस। अभी मैं पहुँचा हूँ नागलोक में, तो बहुत दिनों बाद आया हूँ। बहुत टाइम हो गया, नहीं आया था। पहले एक बार आया था प्रोग्राम का दिन में, उसके बाद और आज आया हूँ। ये है स्टेचू। पुराना का दिन याद आ रहा है मुझे, यहाँ में बैठ के ऐसे क्लास होते होते हम बैठते रहते थे और सर आके हमें क्लास जाने बोलते थे। ये है हमारा नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो यहाँ में पढ़ते थे हम। ऐसे दिखते हैं। मैं आया हूँ नागलोका का लाइब्रेरी में, कुछ ऐसा दिखता है नागलोका का लाइब्रेरी। सारे बुक है इधर, और यहाँ में बैठ के पढ़ाई करते हैं और ऐसे न्यूज़पेपर रखते हैं। हम लोग का क्लासरूम यहाँ में थे जब हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तो अभी ये पूरा लाइब्रेरी बना दिया। मैं अभी ले लिया मेरा सर्टिफिकेट, तो मैं बीए पास हो गया, ये है मेरा सर्टिफिकेट लिया। तो अभी हम और दूसरा क्लास जाना है, तो वहाँ से माइग्रेशन लेना है। मम्मी लोग इसे खाना बना के खिलाते थे हमें मम्मी लोग। ये है नागलोका का किचन। बहुत दिनों बाद मैं नागलोक में खाना खा रहा हूँ। पुराने यादें ताज़ा कर रहा हूँ। ऐसा है, पहले भी खाते थे हम नागलोक में। तो ये है कैंटीन नागलोक का, और वो है किचन। खाना पीना पूरा हो गया इधर से, बढ़िया से। बहुत दिनों बाद नागलोक में खाना खाया हूँ मैं, आज आया है। तो पूरा वो पहले जो हम यहाँ में रहते थे वो पूरा याद आ गया मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद खाना खाया। तो इसके बाद और मैम ने बोला है कि जहाँ से माइग्रेशन निकलना था वो नहीं निकल पाऊँगा मैं, क्योंकि वो कॉलेज बंद हो जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ से बड्डी जाऊँगा, थोड़ा मार्केट में घूमूंगा, उसके बाद वो वार्डा जाऊँगा। ये है नागलोका का इंटरप्रेस। यहाँ में बुक भी मिलता है, बुद्ध स्टेचू मिलता है। जो जो भी आज नागलोक विजिट करते हैं तो ये यहाँ से ये सब खरीद के ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो दरवाजा में रखता है ऐसा वाला है, और इसको भी देखो। नहीं, ऐसे आवाज़ करते हैं ये सब। जब नागलोक में विजिट करते हो तो ये सब ले सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति वगैरह और जो चाहिए मिल जाता है यहाँ में। हम अभी जा रहे हैं बड्डी, तो मैं अभी जा रहा हूँ बड्डी मार्केट में। वहाँ में जाके कुछ सामान वामान लूँगा, क्या क्या है या नहीं है देखूँगा, कुछ अच्छा लगने से लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। उसके बाद मैं ट्रेन स्टेशन जाऊँगा, बैग डालना पड़ेगा इधर। अभी मैं ऑटोमेटिक एस्कॉर्ट से और सीतापट्टी जा रहा हूँ, जो कि पट्टी का मेट्रो स्टेशन का नाम है। तो ऐसे स्कैन करना पड़ता है। बहुत टाइम लगा खुलने। ऐसा दिखता है नागपुर, तो नीचे में रोड है और बीच में ऊपर में भी रोड है, और ऊपर में सबसे ऊपर में मेट्रो रोड। हम मेट्रो रुक रहे हैं
बाड़ी जाने के लिए। ये है मेट्रो स्टेशन, तो आ गए तो अभी हम बैठ के तो जाएंगे बाड़ी में। ऐसा दिखता है नागपुर का मेट्रो। हम अभी पहुंचने वाले हैं सीताबर्डी में, तो मार्केट में जाएंगे। फुल हो गए, ट्रेन उतर रहे हैं। यहाँ पे पूरा पेंटिंग बने हैं। पहुंच गया हूँ मैं बड्डी में। यह है लोग, यह है मेट्रो स्टेशन और इधर बड्डी का रोड है। मैं अभी बड्डी मार्केट घूम रहा हूँ, मार्केट यहाँ में जूता चप्पल वगैरह चल कर रहे हैं। और इधर में है पूरा मार्केट चिड़िया का घोसला, तो यहाँ में चिड़िया रहता है दो दो। बड्डी मार्केट बहुत सारे लोग आए हैं, कुछ जैसे लगता है रोड में बड्डी मार्केट। बहुत ही सुंदर सुंदर हेयर बैंड लगाए हैं, पूरा सुंदर सुंदर है ये। तो पूरा ये घूम लिया मैं, तो ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैं, अली एक ही चप्पल लिया था क्योंकि मेरा वो रूम का चप्पल था वो टूट गया था। चलो ये सेल कर रहे हैं, क्या बोलता है इसको, क्या बोलता है? हाँ, कुत्ते के वा बरी के वा मामा मामा खोआ कुल्फी, तो एक एक बना मामा खोआ, मामा खोआ खोआ कुल्फी बना रहे हैं। क्या है खोआ कुल्फी? दस वाली, बीस वाली, रायपुर वाली, दस वाली। बहुत ही अच्छा है नागपुर का मेट्रो स्टेशन। कुछ ऐसा दिखता है, बहुत सारे आदमी आ रहे हैं। मैंने टिकट कर लिया वापस जाने के लिए रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पे जाके और ट्रेन का टिकट करना पड़ेगा। अभी ये मेट्रो टिकट लिया यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो कुछ ऐसा दिखता है मेट्रो स्टेशन। अभी मेट्रो को रुकना पड़ेगा, मैं लोग रुक रहे हैं मेट्रो को। ऐसे दिखते हैं मेट्रो का स्टेशन। कितना आदमी सह रहे हैं मेट्रो में। यह मैं डायरेक्शन हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन में, इतना लोग बैठे हैं। अभी मेट्रो से उतरे तो रेलवे स्टेशन जाना है, उसके बाद टिकट करके तो ये जा रहा है मेट्रो। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन, वहाँ से टिकट करके वर्डा जाएंगे। अभी मैं टिकट करके ट्रेन को रुक रहा हूँ, बहुत ही लेट से है ट्रेन। तो मेरा आते आते और मेरा बैग का चेन भी टूट गया था, इसको भी सिलना है। ये देखिए सेन का ट्रेन, सेन पूरा टूट गया ऐसे करते हुए। तो ट्रेन थोड़ा लेट है तो रुक रहा हूँ, बहुत सारे लोग भी रुक रहे हैं बैठ के इधर। तो उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ के जाऊँगा वर्धा। तो मैं अभी ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन में बैठने का जगह नहीं है तो इसलिए खड़ा खड़ा जाऊँगा। एक घंटा का टाइम लेगा वर्धा तक पहुँचने के लिए। एक घंटा दो घंटा लगता है? एक घंटा देखा रहा है, एक घंटा में पहुँच जाएगा। तो फाइनली अभी पहुँचा हूँ मैं वर्धा में। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया मेरा घर वर्धा में। तो अभी मैं रूम जाऊँगा, तो वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। सबको बाय। वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो सबको बाय।